हजारों करोड़ का माल जाता है यहां से विदेशों में सोना है ये सोना इज्जत करते हैं लोग आपकी इज्जत नहीं करते डरते हैं सब डर की यही दिक्कत है कभी भी खत्म हो तो सकता अमेरिका के थर्टी फिफ्थ प्रेजिडेंट जॉन एफ कैनेडी के हथियार ले हार्वे ऑस्वल्ड को सोवियत से अमेरिका आए अभी वक्त भी नहीं हुआ था कि उस पे मर्डर का आरोप भी लग गया ऑसवर्ड पे अमेरिका के मेजर जनरल एडविन वॉकर के मर्डर की कोशिश का आरोप लगा था हालांकि ये आरोप ऑसवर्ल्ड पे कैनेडी के मर्डर के बाद ही लगा 1963 के अप्रैल में ऑसवर्ल्ड न्यू ऑर्लैंड आ गया जिसके एक महीने बाद ऑसवर्ड की वाइफ मरीना भी ऑसवर्ल्ड के साथ रहने न्यू ऑर्लैंड आ गई थी ऑसवर्ड ने वही एक कॉफी शॉप में मशीनरी ग्रीसर के तौर पे काम संभाला जहां से उसे जल्द ही निकाल दिया गया क्योंकि उसका काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और वो ज्यादातर वक्त राइफल्स रिलेटेड मैगजीन पढ़ता था ऑसवर्ड इसके बाद मैक्सिको चला गया जहां से अक्टूबर सेकेंड नाइनटीन को लौटने के बाद मरीना की दोस्त रुत ने ऑसवर्ड को बताया कि टेक्स स्कूल बुक ऑफ डिपोजिटी में जॉब अवेलेबल है रुत ने ऑसवर्ड की मदद नौकरी दिलवाने और इंटरव्यू सेट करवाने में की ऑसवर्ड को टैक्स स्कूल बुक ऑफ डिपॉजिटरी में 1.25 डॉलर पर आवर की सैलरी पर रखा गया ऑस्वर्ड के सुपरवाइजर कहते हैं कि ऑसवर्ड काफी अच्छा काम कर रहा था वो एवरेज एम्प्लॉय से ऊपर था ऑसवर्ड डलास में एक रूम में रहता था लेकिन वीकेंड्स पे वो अपना वक्त इवनिंग में मरीना के साथ रुत के घर पे स्पेंड करता था असल में मरीना तब अपनी दोस्त रुत के साथ ही रह रही थी कैनेडा के असैसिनेशन से ठीक एक महीने पहले अक्टूबर ट्वेंटी नाइनटीन को ऑसवर्ल्ड की दूसरी बेटी ऑड्रे का जन्म हुआ इसी बीच एफबीआई के दलास ब्रांच ऑस्वर्ड में इंटरेस्ट लेने लगी जब उन्हें सीआईए यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ये सूचना मिली कि शायद ऑसवर्ल्ड मैक्सिको बेस्ड सोवियत एम्बेसी के कॉन्टेक्ट में है इस सिलसिले में एफबीआई नवंबर के शुरुआती महीने में दो बार ऑसवर्ड के एबसेंस में रुद के घर पहुंची एक बार ऑसफर्ड को एजेंट जेम्स पी हॉस से मिलने को कहा गया हालांकि वो तब ऑफिस में मौजूद नहीं थे जिसके बाद ऑसफर्ड एक नोट छोड़कर एफबीआई के ऑफिस से चला गया नोट में लिखा था कि इसे एक वार्निंग ही मान लो लेकिन अगर तुम लोग मेरी वाइफ को परेशान करना बंद नहीं करते तो मैं एफ बी आई और दलास पुलिस डिपार्टमेंट को उड़ा दूंगा बाद में जब इस पर रिसर्च किया गया तब पता चला कि ऑसवर्ड ने कभी भी एफबीआई को उड़ाने की बात कही ही नहीं थी वो बस हायर अथॉरिटीज से कंप्लेन करने वाला था क्योंकि एफबीआई की वजह से ऑसवर्ड की वाइफ मरीना को परेशानी हो रही थी एजेंट जेम्स ने बताया कि असल में नोट में नोट लिखा था कि अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो सीधा मेरे पास आइए अगर आप इस मामले को लेकर मेरी वाइफ को परेशान करना नहीं बंद करते तो मैं इसके अगेंस्ट एक्शन लूंगा और इस बारे में लीगल अथॉरिटीज को कंप्लेन करूंगा एजेंट जेम्स ने बताया कि उन्होंने ऑस्वर्ल्ड के नोट को डिस्ट्रॉय कर दिया था असल में जब कैनेडी के मर्डर केस में ऑसवर्ल्ड फंसा उसे लगभग एफ एजेंट्स को उनके सीनियर्स ने नोट को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया नवंबर 21, 1963 को ऑसवर्ड ने कैनेडी पे शूट कर दिया था हालांकि इसमें भी थोड़ी बहुत कॉन्स्पायरेसी है कहा जाता है कि टेक्सस स्कूल बुक ऑफ डिपॉजिटरी जहां पे ऑसवर्ड काम कर रहा था वहां के सिक्स फ्लोर से उसने अपनी ही राइफल से चार गोलियां चलाई कुछ लोगों ने दावा किया कि वो हत्या के 10 मिनट पहले ही ऑसवल से बात कर रहा था पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर ऑसवल्ड ने कहा कि पुलिस ने उसे इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि वो सोवियत यूनियन में रहता था ऑसवल लगातार खुद को बेकसूर बता रहा था लेकिन उसके बैग से मिली राइफल और लोगों द्वारा किसी को सिक्स फ्लोर से शूट करते हुए देखना ये सब ऑसवल के खिलाफ सबूत बना रही थी कहा जाता है की एक रशियन स्पाइप बिल्कुल ऑसवल की ही तरह दिखता था लेकिन उसकी मौत कब हुई इस बात से लोग अब भी अनजान है Oswald को 24 नवंबर की सुबह जब सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था तब जैक रूबी नाम का आदमी ऑसवल के बहुत करीब आ गया और अपने गन को उसकी पेट से लगाकर फायर कर दिया जिस कारण ऑसवल की कुछ ही घंटों में मौत हो गई थी वीडियो रिकॉर्डिंग्स में दावा किया गया है कि जब प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली लगी थी तो लिमोइस ड्राइवर विलियम ग्रीर गाड़ी को तेजी से भगाने के बदले स्लो कर दिया था अगर कैनेडी जल्द हॉस्पिटल पहुंचते तो उनके बचने के ज्यादा चांसेस होते तो फिर क्यों उन्हीं के ड्राइवर ने गाड़ी को स्लो कर दिया विलियम को सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट भी माना जाता है कुछ लोगों के मुताबिक ड्राइवर का हाथ हत्या में शामिल है जो जैकी के इशारे पे चल रहा था असल में लोग मानते हैं कि जैकी कैनेडी यानी कि जेएफके की, की वाइफ इस मामले में अच्छी तरह से शामिल थी और इसके पीछे भी कई कारण हैं। कैनेडी और जैकी में लगातार दूरियां बढ़ रही थी

इस कारण अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उन्हें बाहर से सब नॉर्मल दिखाना पड़ता था भले ही जेएफके जाकी को पसंद करते हूँ लेकिन वो कहीं से भी लॉयल नहीं थे जाकी सबसे ज्यादा एक आइकॉनिक अमेरिकन एक्ट्रेस से परेशान थी उस एक्ट्रेस और कैनेडी की खबर हमेशा ही न्यूज आर्टिकल्स में आती रहती थी जैकि कैनेडी से पहले ही परेशान थी पर जब सामने से किसी ने कैनेडी को मारने का ऑफर दिया तो वो पीछे भी नहीं हटी कॉन्स्पेरेसी बहुत है कुछ के नजर में जाके निर्दोष है पर बहुतों की नजर में वो भी हत्या में उतनी ही शामिल है जितने की बाकी सब। अजीब बात दोस्तों ये है कि मैरिन कमर्डर फोर्थ ऑगस्ट 1962 को हुआ था और इसी के 16 महीने के अंदर जेएफके का भी असासीनेशन हो गया और इतना ही नहीं कैनेडी के बस पांच साल बाद ही उनके भाई का भी किसी ने मर्डर करवा दिया था दर्शकों आगे हम जानेंगे कि आखिर कैसे कैनेडी और रॉबर्ट कितार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आखिर जाकी ने किसके कहने पे जेएफके को मरवाने का फैसला किया ये सारी बातें आपको पता चलेंगी हमारी अगली वीडियो में तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत हमारी आज की राइटर है ख्याति